हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका आखिरी पार्ट जो कि एकांगी का हिस्सा है, 19वां पार्ट जिसका नाम है देश के दुश्मन। आज हम इस पार्ट के सार के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देश के दुश्मन जयनाथ नलिन द्वारा लिखित एक राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत एकांगी है। इसमें लेखक ने भारतीय रक्षा सेनाओं की कर्तव्य प्रायणता, निर्भीरता, त्याग भावना, निस्वार्थ भावना, बलिदान आदि का चित्रांकन किया है। इन वीरों के साथ साथ इनके परिवार जन भी इन्हीं उदात्त भावनाओं से भरे होते हैं। इन्हीं महान लोगों के कारण भारतवर्ष अपने दुश्मनों को धराशायी कर आज गर्व से झूम रहा है। इसके माध्यम से लेखक ने ऐसे ही तेजस्वी वीरों, देशभक्तों एवं नौजवानों का अभिनंदन किया है। ये एकांगी बसंत ऋतु के अंत में सुबह 8:30 बजे प्रारंभ होती है, जहां मीना कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। एकांगी में सुमित्रा, मीना, नीलम, चाचा, जयदेव और उपायुक्त पात्र हैं। जयदेव वाघा बॉर्डर पर सेना में जवान होने के कारण देश की रक्षा के लिए तैनात है। एक दिन अचानक माँ सुमित्रा माधोराम के घर रेडियो से ये खबर सुनकर चिंतित होती कि वाघा बॉर्डर पर तस्करों से मुकाबला करते हुए 2 सरकारी अफसर मारे गए। इस खबर से माँ का कलेजा भर आया, किंतु एक सैनिक एवं राष्ट्रभक्त परिवार होने के नाते मीना इसे गौरव की बात कही और इसे मातृभूमि के प्रति बलिदान बताकर सांत्वना प्रदान की। जयदेव की पत्नी नीलम ने भी कहा कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे दिव्य बलिदान पर तो देवता भी अर्घ्य चढ़ाते हैं, कहकर माता जी को धैर्य दिया। माता सुमित्रा भी इसे गर्व एवं गौरव की बात तो मानी, किंतु उसके पति के बलिदान के बाद वे टूट चुकी थी, बस इसी से डर रही थी, इसी कारण अपने बेटे के लिए चिंतित थी। नीलम और मीना अपनी माता जी का ढांढस बंधाने लगे। तभी घर में उनके चाचा जी का प्रवेश हुआ और उन्होंने जयदेव के छुट्टियों पर आने के बारे में पूछा। सुमित्रा अपने बेटे की चिट्ठी के प्रति चिंतित होकर निराश हो रही थी, किंतु चाचा जी ने कहा कि वह अभी अभी खबर सुनकर आया है कि जयदेव का बाल भी बांका नहीं हुआ। 2 सरकारी अफसर मारे गए। इतना ही नहीं, अखबार में भी जयदेव की बहादुरी की प्रशंसा छपी है। उसने तस्करों से डट कर मुकाबला किया, 4 लोगों को मार गिराया तथा उनसे 5 लाख रुपए का सोना छीन लिया। ये सुनकर सुमित्रा माँ प्रसन्न हो उठी। तभी मीना अपने भैया के साहस एवं शौर्य की कहानी सुनाने लगी। कुछ समय उपरांत जयदेव भी घर पहुंच गया। जयदेव को देखकर मीना, नीलम तथा सुमित्रा प्रसन्नचित हो उठी। सब अपने अपने तरीके से उसका अभिवादन करने लगे। जयदेव की बहादुरी एवं शौर्य की खबरें चारों तरफ फैल चुकी थी। उपायुक्त महोदय भी जयदेव के घर उसे मिलने आए। उन्होंने उसे बताया कि उसके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें गवर्नर साहब जयदेव का 10,000 का इनाम घोषित करेंगे। इसे सुनकर जयदेव ने उपायुक्त महोदय को कहा कि वे इस राशि को मृत पुलिस अफसरों की विधवाओं को आधा आधा बांट दिया जाए। जयदेव के इस त्याग और राष्ट्र प्रेम पर उपायुक्त साहब भी गर्व कर चले गए। तो ये कहानी थी एक फौजी के बारे में। यदि आपको इस पाठ का सार समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।